वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद। जो प्रसाद बनाने के लिए गाइस सबसे पहले प्रथम होता है उनके लिए गुड़धनिया बनाना। तो गाइस गुड़धनिया बनाने के लिए मैंने गेहूँ लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है जगन्नाथ जी के लिए गुड़धनिया का प्रसाद। सो गाइस गुड़धनिया प्रसाद बनाने के लिए मैंने एक कटोरी गेहूँ लिए हैं और गेहूँ को साफ कर लिए हैं। और सो गाइस अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस इसको बनाने के लिए गुड़धनिया बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन किया है और इसको फ्लेम को गर्म कर लिया है, नॉन स्टिक फ्लेम लिया है। चाहे तो आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, अगर लोहे की कढ़ाई लेंगे तो वो जल जाती है, फिर मसलने में भी दिक्कत होती है गैस, तो इसलिए मैंने नॉन स्टिक फ्लेम लिया है। और इसमें ये डाल देंगे गेहूँ और इसको गैस ढक देंगे थाली से। 5 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको पहले हाई फ्लेम पे तचा लेंगे। सो गाइस 5 मिनट हो चुका है, अब इसको खोल के देखेंगे। और गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि गेहूं को भूनना है तो इस तरीके से गेहूं को भून सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर वापस इसको ढक देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि गेहूं अच्छे से भून चुका है और गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें गाइस डालेंगे गुड़। इसमें गुड़ डाल देंगे और गुड़ को ऐसा ही डाल देना है। और जब गुड़ ये डाल देंगे तो ये पिघल जाती है अपने आप ही। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गुड़धनिया बना सकते हैं। और गैस अगर कच्चा गेहूं रहेगा तो वो कच्चा का नुकसान करता है। तो गेहूं भी अच्छे से पक गया है और गुड़ भी पिघल गया है। इस तरीके से ये गुड़धनिया बनके तैयार हो चुके हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद, जो जगन्नाथ जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो गैस इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। सो गाइस इस तरीके से आप जगन्नाथ जी का प्रसाद बना सकते हैं गुड़धनिया का। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। तो गाइस इसमें तो चाहे तो गेहूं आप बाहर से भी भुनवा सकते हैं तो भुन जाता है। तो गाइस मैंने तो घर ही में बाहर के तरीके भून लिया है और इस तरीके से जगन्नाथ जी का प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस आपको मेरी ये प्रसाद की वीडियो कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस बोलिए जय जगन्नाथ भगवान की। और सो गाइस जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।